आज को तोड़ जाओ है भाई, बीजेपी के मंत्रियां ना मिलन जाओ हां। अच्छा के लेन जाओ, के करन जाओ हो रहा है के भाई। तीन काले कानून ले रखे हैं किसानों ने मारने वाले। अच्छा जत्तो ना शामी आया कर दे, घरां भी आया कर दे। अच्छा वोट दे दियो, वोट दे दियो, मामे भी दिन रात पाछा फिरिया कर दे। जूती तोड़वा ली, जूती तोड़वाया उनका पाछा। जत्तो उनका एक के बात थी भाई, तारा जो भी मांगा तारी सारी पूरी करांगे। ठीक बात, लेकिन उन्ना भाई मामे बेच दिए। अच्छा अच्छा, हमारे जो है किले है नी, या हमारी जमीन है, या हमारी माँ है। अच्छा अच्छा, और इसने बेचा है, इस पे कब्जा कर रहा है। सही बात से तो या तेरी एक नंबर की बात से। अरे भाई जो है भीतर कोठिया में कुर्सियां बैठे है नी, या मामने बिठाए थे। सही बात, और ई बहनी कुर्सी वाला खेचांगे उन्ना। ठीक है ठीक है, हमें तो अच्छी बात से मामना वहाँ बिठाए है। मामना भूल गए, जब तो मामे उनके सब की में थे, जब तो जमा जमाई बनाने तैयार हो रहे थे मामने। सही बात है, और ईब है मामे दुश्मन दिखन लग गए। ठीक है तो यह बात कदे की में कवा है, कदे की में कवा है। सही बात, पहला उन्ना एक के दिखा कर दा, सब की में तामे हो आज जोड़ा कर दे रहा। काले कानून कुकर के वजह है के हो काले कानून भाई, काले कानून है यहाँ भाई। जो यहाँ बिचौलिया कवानी जो आड़ती है। अच्छा तो माना भाई चादी रहते हैं, जरूरत पड़ जाओ 10 रुपया की पड़ो चाहे कितनी पड़ो। सही बात, तो यहाँ देवा हमारे आड़ती है जो। सही बात, कवा भाई जो बिचौलिया है नी, इन्ना बीच में तो काट डांगे और तामे तारीफ वाला सीधा फायदा लेओगे। यहाँ मूर्ख बनावा है भाई, मामे बोले बाले कोनी, मारे बालक भी मामे पढ़े लिखे हैं सारे, हमें सारी समझा। हाँ सही बात, इब नूबता या चल कंपनी आ जाएगी मार सीधे खाता पीछे गेड़ा है भाई, पीछे जरूरी है खत्म कद गेड़ेंगे यहाँ। सही बात, कह रहे हैं तो 2 महीने पाछा गेड़ा है। सही बात है, दो तीन महीने पाछा गेड़ा है। सही बात, हमें जब जी रुत पड़ जाए ना, जब ले आओ हाँ दिन में पढ़ो रात ना पढ़ो, रात ना पढ़ो। अरे क्या कहा बिचौलिए काट डांगे, यहाँ बिचौलिए सारे बिचौलिए काट डे, जो बिचौले कितने हैं यहाँ जो अड़ती है, यहाँ सिर्फ 2 ही बिचौलिया ले आवेंगे। सही बात, अंबानी अंडानी ना, अंबानी अंडानी ना। ठीक बात, बेचेंगे माम नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात से तो भाई, तब मंत्री लो जाएगा क्या करोगे उड़े भाई। मंत्री तो रनू जाओ हाँ, जे यहाँ मंत्री है तो सरकार बन रही है, जे यहाँ मंत्री है इस्तीफा देव है तो सरकार भी मजबूरन झुकना पड़ेगा सरकार ने। सही बात है, और सरकार फिर मानेगी। अच्छा इन इस्तीफा लेने जावा सीधा, इस्तीफा दे दे भाई, बहुत दिन बाद देख लिया है। चलो ठीक, या तो यहाँ कानून वापस करा दो सरकार, तय यहाँ बात कहने लग रहे हैं बार बार। अच्छा अच्छा, नहीं भाई इस्तीफा मांगा सारे का, हमने बनाए थे, बनाए जमा दिन रात पाछे फिरे थे। सही फिरे थे भाई, कुर्सियां बिठान जाना तो हमें किसी ट्रिक का तारण भी जाना। हाँ भाई, इन बिलों तो किस किस चीज ने खतरा, किस किस ने खतरा है यो भाई, जितने भी कृषि तक जुड़ रहे हैं, खेती तक जुड़ रहे हैं। अच्छा, सबने खतरा है। अच्छा, मैं तो नू कहूँ भाई, भाई गांव गांव नहीं, गांव तो है सारे ने भी खतरा है। सही, फिर तो उसने मजदूर ने भी बहुत खतरा भाई है। सबने खतरा, मैं बताऊंगा तेने सारी टेल में क्यूकर खतरा है, के खतरा है। ये बस गांव में जितने भाई सारे खेती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जिसका किले उन्हें तो खतरा है, जमीन भी कौन की। लेकिन जो इब मजदूर जावे गांव में के, तो उन्हें नू खतरा है। इब तो दिहाड़ी दे दे आपसरी का है काम है। सही, लेकिन यहाँ जब जमीनें नहीं रहेगी, नहीं जमीनें किसी और का कब्जा में हो जाएगी। सही बात, तो क्या दिहाड़ी देवेंगे ना, ना कुछ नहीं दिहाड़ी दे सकते फिर। और एक और बात सा, इब तो भाई खेत में आप गंडा पैड लिया वहाँ। सही बात है, कांकड़ी ले आवा, कीमे भी फसल ले आवा, फसल ले आवा, ताऊ या चीज चाहिए मैंने खेत में लाइन का ले जे बेटा। सही बात, कीमे नहीं। हाँ, लेकिन जब उनका कब्जा हो जाएगा नहीं भाई, तो सीधे जेल में गेड़ देंगे, तो एक गंडा बदल भी। सही बात, चल फिर ताऊ मैं भी तेरे गेले हूँ, चल चल लांगे मंत्री के दोहरे चल लांगे। चलो भी आज बैठ फिर, बैठ है भाई। मंत्री जी आना मिलना है, मंत्री जी को नहीं है। और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं मंत्री जी, दिल्ली जा रहे हैं भाई। कई बार ये लिए तो हमें गोली दे जाओ, इक्का मामे बिना मिले को नहीं जावा मंत्री जी। वोट लेने का टाइम पर तो हमारे पैर पकड़ दे फिरा था मंत्री जी, का बैठा है। जब बात कर लिया तो दिल्ली जा रहे भाई, भीतर लुक्का बैठा है। किसान मिलन आ रहा है, तंग हो रहा है, बल देने फिर जाना उन्ना। आप बाहर जाओ सर। ना भाई, बिल्कुल एक भाई बात सुनो, तुम भी मारे भाई हो,
नू तो है को नहीं भाई तामे जमे अंबाणी अंडाणी का जाए मेरे जो उनके घर को तो तामे उरल खड़े को नहीं होते तामे भी तो इने गरीब गांव गांव में तैयार हो पर भाई साहब हमारे तो किसान ना किसान ना न जानो कि नहीं जानो किसान ने के बालक हो गए जाड़े तो भाई साहब फिर मारी ड्यूटी या ड्यूटी है भाई नू का यार मामे को मिलने तो जान दोगे अरे यार रहने दो चलो बाहर चलो अरे वो खड़े रहे मंत्री जी तो झूठ बोलना थे चल चल लांगे चलो चल लांगे चलो भाई चलो मंत्री जी राम 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 भाई राम राम मंत्री जी राम 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 भाई कराने है भाई मंत्री जी आपने पता है जो तीन कृषि कानून आए हैं इनते सारे किसान नाराज हैं इनते मामने कोई फायदा नहीं है आप मिट्टी गोली दे रहे हो फायदा है आमने कानून कौन चंदे आज जोड़ा कहो हाँ यह वापिस ले लियो और ना भाई कोई दिक्कत नहीं बाकी जो कानून है आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी मंत्री जी आमने नहीं चाहिए वैसे क्या दिक्कत आई है वैसे दिक्कत यह है मंत्री जी ये बाप यह बताओ जो चीज की हमने जरूरत नहीं है आप दक्कत कह रहे हो फायदा है ये मैंने पानी की प्यास लग रही है आप दक्कत रोटी खुआओगे बता नुकसान है कि नहीं है ये कह रहे हो आप कानून सही है लेकिन सारे किसान आप देख लो रोड़ा में बैठे हैं करोड़ लाखों की संख्या में बूढ़े बुजुर्ग सारे मंत्री जी आप भी देख रहे हो ये इतने लोग बैठे हैं ये इसलिए बैठे हैं ये कानून है जो आए हैं ये किसानों का नाश करने खातर आए हैं आप कह रहे हो फायदा होगा इस तरह आया दुगुनी होगी हमने को नहीं करानी आया दुगुनी मार दो जिसे उसे मंत्री जी या जो दूसरी पार्टी है नी या बकारी है बूढ़े वाले किसानों को इनकी मुकाम है ये ना ना मंत्री जी बोले वाले किसान को नहीं ये पढ़े लिखे किसान हो रहे हैं पहला वाले कौन रहे मंत्री जी आप मिठी गोली ना दे ये भी आप बताओ चल ठीक है मैं लिया मैं बोला बाला मन पढ़ू लेकिन आगे जो नौजवान बाला कहे पढ़े लिखे हैं कोई ला है कोई इंजीनियर है और एडो जो एडवोकेट है ना वो भी किसानों के समर्थन में आए हैं वो तो पढ़े लिखे हैं या वो भी बोले बाले हैं मंत्री जी मामला ये काले कानून तीन हमने को नहीं चंदे भाई ये कानून है तो अरे फायदा खतर है हमने फायदा तो चंदा ही नहीं हमने एक बार कह दिया हमने फायदा एक बार कह दी इन कानूनों को रद्द कर दी रद्द किया जाए मंत्री जी पूंजीपतियां ने बहुत फायदा होगा बहुत सा फायदा होगा हमने नुकसान होगा बिल्कुल हमारी सारी जमीन हड़प ली जाओगी तारी कोई नुकसान नहीं होगा तारी कोई जमीन नहीं हड़प ली जाएगी मंत्री जी जैसी हम हमारी फसल नहीं बिकती है या ये मन मर्जी करते हैं तो हम SDM तक जा सकते हैं और ये बताओ आप ये पूंजीपति हैं जो इतने बड़े पूंजीपति और सरकार है इनके सामने SDM क्या करेगा ये संसद में पास हो गया कैंसिल नहीं होगा ये तो मंत्री जी जब आप वोट लेने के लिए आते थे आप क्या करते थे बड़े बड़े वादे करते थे वो दिन याद करिए अब जब तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये सारे कहने के थे करना कुछ नहीं ये भी ये पास हो गया ये तो मामला मारने खातर पास कर आएंगे इसमें किसी की जान नहीं जाएगी और किसकी जाएगी किसी की मारी तो जान लग रही है तो इनमें कमी है नहीं वो हम बदल जाएंगे मंत्री जी आप अभी भी बदल गए पहले तो बदले ही थे आप अभी तो कह रहे थे इनसे आपको कोई नुकसान नहीं आपको फायदा है और अभी आप बोल रहे हैं कि जो कमियां वो दूर कर देंगे इसका मतलब तो ये बिल बिल्कुल ही खराब है बिल्कुल ही हमें मारने वाले हैं हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए कानून है जो तरबला के लिए बनाए गए था हमने समझने की कोशिश करो पूरी पूरी ठीक हमने समझ लिए समझ का ये कर रहे हैं पागल दुनिया में बहुत दिन हो गया गोल देन जाना है बहुत दिन हो गया निशान होगी बहुत दिन हो गया एक बात सुन ले कुर्सी बिठान जाना तो कुर्सी खींचने भी जाना खींचने भी जाना देख लिए इलेक्शन टाइम में देख लेंगे सारे झंडे तैयार का पका दे आज किसान है तो मैं ऐलान करूं और सारे पार्टी झंडे सारे तैयार का भाई दो सिर्फ किसान का झंडा और तिरंगा लगेगा छत पे ये किसे पटे झंडा नहीं लावेंगे और मंत्री आज ये तो Mm-hmm.
देखो भाई, ये किसान की पगड़ी है, ये इज्जत है किसान की। और ये देख लो भाई इज्जत, ये मंत्री अगर आए थे आज तो मंत्री ने देखो कितना अच्छा एक इज्जत करी है, मान सम्मान करे, वो आपने देख लिया। देख लियो भाई जो पगड़ी घेरी है भाई, पगड़ी शान है। और इस पगड़ी की बेइज्जती हम सहन नहीं करांगे। हम मन मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी बेइज्जती करी है उसका हम बदला ले कर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। जो पगड़ी की बेइज्जती करी है ये हम सहन किसी भी उस पर नहीं कर सकते, और ये मंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। और ये जो सरकार है, जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इसको भी समझा के छोड़ेंगे, इसको भी हम सबक सिखाएंगे कि किसान की पगड़ी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सरकार को ये समझना पड़ेगा। और ये हम बता के रहेंगे कि बहुत हो लिया, बहुत अपमान सह लिया, बहुत इन्हें कर लिया, लेकिन अब और सहन नहीं करेंगे। ये हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत के साथ इतना खिलवाड़ हम कभी भी सहन नहीं कर सकते। जितने भी किसान भाई हैं सारे तय एक अपील करूँ, देख लो भाई जो इन राजनीतिक पार्टी ने अपनी पगड़ी का अपमान किया है, ये अपना शान है अपनी, अपनी इसको बचा कर रखना है। इसलिए सभी एक हो जाओ, सभी को अभी एक होने की जरूरत है। और जितने भी ये नेता मंत्री बने फिर हैं, ये ऊपर कोठियाँ बैठे हैं, इन्हें तला तारो, कुर्सी तक खींच लियाओ, जे इन्हें बिठाण जाना पे तारण भी जाना है। ये आपने बनाए थे, आपने मतलब खुद सारे बनेंगे, इब इन्हें सबक सिखाना है। और जो इनके झंडे हैं तैर कर फेंक दो, अपना किसान का झंडा लाओ और इन्हें सबक सिखाओ। बहुत हो लिया, अब और सहन नहीं करेंगे। जय जवान जय किसान।